हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ वन एकेडमी ग्रुप। फ्रेंड दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक विद्यानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार धमाकेदार सेशन लेकर गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली बेसिस पर चलने वाली इस क्लास के अंदर। आर या पार जान लगा दो या जाने दो मॉक टेस्ट जो आपको दिलाएगा 100% श्योर सिलेक्शन। तो आपका स्कोर कितना आ रहा है मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों, सबसे पहले तो ये मुझे जरूर बताइएगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, साथ के साथ ये भी बताइएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपको परेशानी होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक शानदार से मोटिवेशनल कोट के साथ में। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो नॉन स्टॉप 10 टॉपिक 50 क्वेश्चन की क्लास दोस्तों अपनी जो 9 बजे होती है, आज मैं आपको बता दूं बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं। ठीक है, आज आपके लिए दोपहर 1 बजे भी एक स्पेशल क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। 2 बजे भी एक सेशन होने वाला है जिसके अंदर भी मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ कि अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है तो आप इन दोनों सेशंस को जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगा। मुझे लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये आपके मार्क्स जो है दोस्तों सिक्योर अगर हो गए तो फिर यहाँ से मजा ही आ जाएगा। तो दोपहर 1 बजे और 2 बजे लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा 4 PM पर अपनी थ्योरी क्लास चालू हो गई है। ठीक है, 4 PM पर अपनी थ्योरी क्लास चालू हो गई है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आज एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक हम लोग 4 बजे भी पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को इनपुट आउटपुट पढ़ना है वो आज के सेशन को ज्वाइन कर सकता है शाम को 4 बजे, और साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 4 बजे 2 टॉपिक होंगे, एक तो इनपुट आउटपुट होगा और एक होगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो दोनों टॉपिक्स को आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई, सभी लोग थम्स अप कर दें। ये 4 बजे वाला टॉपिक कहां पर होगा, यूट्यूब पर होगा, यूट्यूब पर होगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि आप लोगों ने इनपुट आउटपुट पढ़ाई नहीं है और एग्जाम में आया है अपने। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोगों को मेरी क्लास जो है डायरेक्टली एक्सेस करने को मिलेगी अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर सकते हैं। दीपक कुमार दीर्घानी के नाम से अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए और बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए, मस्त तरीके से क्लासेस लीजिए। ठीक है, कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दीपू 10 कोड लगाकर। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। जी हाँ, इनपुट आउटपुट बेटा अपने सीबीटी 1 में आया था, एनटीपीसी सीबीटी 1 में बहुत सारे बच्चों के एक क्वेश्चन अपने को इनपुट आउटपुट का देखने को मिला था। हालांकि वो बैंक का टॉपिक है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी अच्छे से पढ़ लो, हमें आना चाहिए। मान लीजिए सीबीटी 2 में अगर उसका क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया तो ऐसा ना हो कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार ये तो कोई नई चीज़ ही देखने को मिल गई है ना, इसलिए कुछ छोड़ो मत, सब पढ़ो। मशीन इनपुट आउटपुट बोलते हैं वैसे, टॉपिक का पूरा नाम है मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, जी हाँ, शाम को होगा 4 बजे वाली क्लास में। चलिए शुरुआत करें हम, बहुत बढ़िया, लाजवाब करिए इसको। 44 कैसे आएगा, देखिए 4 + 5 + 0 + 7, 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए, ये हो जाएंगे 16। 16 को 3 से गुणा कर दो आप एक बार, एक काम करो, ये 16 है ना, 16 को 3 से गुणा कर दो आप, 16 × 3 = 48, 48 में से 4 माइनस कर दो, ये आ गया आपके पास 44। प्यारा प्रश्न, 1 + 6 + 5 + 2, ये कितना आएगा, 7 और 5 = 12 = 13, 14, 14 × 42 - 4 कितना आ गया, 38। नोट कर लेना, आप ये मत सोचना कि हर कोई व्यक्ति इस प्रश्न को कर लेगा एग्जाम, इस गलतफहमी में आप बिल्कुल ना रहिएगा।
है, बहुत कम लोग कर पाएंगे, बहुत ही कम लोग, और जो कर पाएंगे ना वो बच्चे वही कर पाएंगे जिन्होंने वास्तव में प्रैक्टिस की है इस टाइप के क्वेश्चंस। हर कोई तो इस प्रश्न को कर ही नहीं पाएगा, पहली बात तो ये, क्यों? क्योंकि कर वही पाएगा ना जिसको इस तरीके का लॉजिक पता होगा, कि ऐसा भी लॉजिक होता है कि जिसके अंदर संख्याओं को जोड़ रखा हो और उसको वहां तक पहुंचाया जाए जहां तक ये जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो नोट करके रखिएगा, लॉजिक नोट करके रखिएगा, इसको अपन लॉजिक बोलते हैं, इसको नोट करके रखिए। ये चीजें अगर याद रह गई तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के ऐसे होंगे जो सिर्फ आप लोग ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए देखिए। मीणा जी, पीडीएफ नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाती है, वहां से आप लोगों को डाउनलोड करनी है, और जो स्पेशल क्लासेस के जो लिंक होते हैं वो भी आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे वहां से आप डाउनलोड कर। ठीक है, देखिए ध्यान से। बर्ड्स रीढ़ की हड्डी वाले कशेरुक कीड़ा मकोड़ा, सोच समझ के और आराम से। एक तो दे रखा है पक्षी, दूसरा दे रखा है वर्टिब्रेट्स, और तीसरा दे रखा है इंसेक्ट। तो देखिए पक्षी इंसेक्ट में तो नहीं आएंगे। अब पक्षी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं क्या? जी हाँ, रीढ़ की हड्डी होती है ना पक्षियों में, यस और नो, होती है कि नहीं होती है? बताओ भाई जल्दी से। भाई पक्षियों में रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं होती है? तो रीढ़ की हड्डी वाले कशेरुक हैं, और ये अलग हो जाएगा भैया, इंसेक्ट उसमें थोड़ी ना होता, कीड़े मकोड़ों में रीढ़ की हड्डी थोड़ी होती है। तो बी आंसर। अब अगर ऐसा प्रश्न भी अगर आपका गलत हो रहा है ना, तो दोस्तों बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो आपको शानदार मिल रहा है ना? पूरा पढ़ लो एक बार सिलेबस पूरा, मैं तो कह रहा हूँ एक बार रिवाइज कर लो बढ़िया तरीके से। शाम को 4 बजे स्पीड से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना? मतलब 15-20 दिन के अंदर आपको पूरा एक बार रिविजन भी हो जाएगा। आपके अगर MTS का एग्जाम है तो आज मैराथन सेशन भी है, रात को 8 से 10, है ना? आज बहुत सारी क्लास है, आज 1 बजे क्लास है, 2 बजे क्लास है, फिर 4 बजे मैंने क्लास रखी है जो कि 6 बजे तक, 5:30 बजे तक चलेगी, फिर उसके बाद में जो है आपकी 8 बजे से भी क्लास है, 8 से 10 यूट्यूब पर ही, फिर 10 बजे अपनी स्पेशल क्लास है अनअकेडमी पर। तो देखिए जिस किसी का भी MTS का एग्जाम है ना, या आने वाले GD का एग्जाम है आपका, तो आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ सकते। देखिए प्रश्न को देखिए ध्यान से, देखिए बहुत सारे लोग 40 आंसर दे रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब है 40, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। यहां से ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि +19 है। आप ये मत सोचना जिंदगी में कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया तो इजी नहीं पूछ सकता, इजी भी पूछेगा तो कुछ अच्छे लॉजिक्स वाले भी पूछेगा, क्वेश्चन हर तरीके का होगा एग्जाम, है ना? जैसे ये है, अब बहुत सारे लोग इस तरीके के प्रश्नों को तो सबसे पहले ये सोचेंगे, यार इसको तो मैं लास्ट में अटेंड करूंगा, क्या पता क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा ना, यूं समझ लेना उसमें लॉजिक इजी होगा। एग्जाम में अगर आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अटपटांग से चल रहा है, तो इसी को पहले अटेम्प्ट करो, आप गैप देखो। 172, फिर देखो आप 172 का गैप है या 272 का, 11 सॉरी 10, हाँ 272, 2 में 3 में से 1 जाएगा तो 272 का गैप है। फिर इसको देखें आप, 15 में से 9 जाएगा तो 6, 136 का गैप ही हाफ हो गया, 136 का फिर हाफ ही हो रहा होगा, ठीक है 13 में से 5 जाएगा तो 8, 13 सही है, 50 और 18 68, ज़्यादा गैप नहीं है, कितना है 68 का गैप है। फिर 68 का भी हाफ अगर आप कर दोगे इसका, ठीक है तो ये हो जाएगा अपने पास में 34, और फिर 34 का भी हाफ कर दोगे तो 17, 7 और 7 14 का 4, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4,
644. चलिए नेक्स्ट, बनाइए, क्लियर है? अब यहां देखिए इसको, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को ढंग से देखिएगा, पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। इफ ऑल दी वोवल्स आर ड्रॉप्ड, सारे स्वरों को हटा दिया जाए और व्यंजन अक्षरों को एक मान आगे बढ़ा दिया जाए, एक वैल्यू आगे बढ़ा दे, इंक्रीज्ड बाय वन वैल्यू, किसकी, व्यंजनों की, तो कितने व्यंजन अक्षरों को स्वर में बदल दिया गया, कितने व्यंजन अक्षरों को स्वर में बदल दिया। तो पहले तो स्वर हटा दो, पहले तो जो स्वर है ना उनको तो हटाई दे, पहले तो जितने भी वोवल्स हैं आप उनको हटाई दीजिए, ये हटा दिए, सारे वोवल्स को हटा दिया। अब ऐसे कितने व्यंजन हैं जो स्वर में बदल दिए गए, तो Z का क्या हो जाएगा, A, इसको बदल दिया, W का तो X होगा तो ये तो नहीं बनेगा, N का O, जी बिल्कुल, इसको भी बदल दिया है, N का O, इसको भी बदल दिया है, H का I, इसको भी बदल दिया है, Y का तो Z बनेगा, इसको नहीं बदला है, S का T बनेगा, इसको भी नहीं बदला है, ठीक है? तो कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनको स्वरों में बदल दिया गया है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, चार व्यंजन ऐसे हैं जिनको आपने स्वर में बदल दिया, जिसको आपने वोवल में कन्वर्ट कर दिया है, सही है? तो ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में आएंगे आप कर तो लेंगे, पर प्रैक्टिस जरूर कर लें ऐसे प्रश्नों की, ठीक है? All roses are fruits. All fruits are trees. All roses are fruits. All fruits are trees. All trees are roses. क्या सारे ट्री रोज हैं क्या? सारे ट्री रोज हैं? जी नहीं. Some fruits are roses. कुछ fruits जो हैं वो roses हैं. कुछ फ्रूट्स रोजेस हैं, ये बात सही है? तो आंसर बनेगा सेकंड फॉलो. क्या बनेगा आंसर? सेकंड फॉलो. नेक्स्ट, ऑल वेल्थी पीपल आर हैप्पी इन लाइफ, सभी धनी व्यक्ति जीवन में सुखी होते हैं. इसने एक लाइन दी है कि सारे धनी लोग हैं ना जीवन में, वो सारे सुखी रहते हैं, मंगल में रहते हैं, है ना? धन और सुख का सीधा संबंध है, बिल्कुल इसके हिसाब से तो यही लग रहा है, धन जीवन में सुख की ओर ले जाता है, सभी धनी लोग जीवन में सुखी होते हैं, तो धन जीवन में सुख की ओर ले जाता है, ये डायरेक्ट रिलेटेड होगा कि नहीं होगा? सीधा संबंध है ना, धन और सुख का सीधा संबंध है, तो जब सभी सभी धनी लोग जीवन में सुखी होते हैं, सारे ही धनी लोग जीवन में सुखी होते हैं, तो ये बात भी सही है कि धन जीवन में सुख की ओर ले जाता है, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट रिलेटेड हो गया, ये भी डायरेक्ट रिलेटेड हो गया। आंसर क्या बनेगा? बोथ फॉलो. क्या बनेगा? बोथ फॉलो. ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ऐसे प्रश्न मैं तो कह रहा हूं 3 महीने या फिर 6 महीने का ही ज्वाइन कर लें आप, लेकिन एक पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें। कल शाम को 7 बजे से ही नया बैच चालू हुआ है, जिसके अंदर हम सिर्फ प्योर लॉजिकल रीजनिंग का बैच है, ठीक है? ये लॉजिकल रीजनिंग का एक नया बैच चालू हुआ है जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को 7 बजे इसकी क्लास होती है। तो DEEPU10 कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं, DEEPU10 बने। देखना है एक्स वाई को एक्स वाई को यह कहते हुए एक्स वाई का यह कहते हुए परिचय दे। एक्स परिचय दे रहा है किसका? वाई का, यानी बोल कौन रहा है? एक्स बोल, क्या बोल रहा है? वह मेरे पिता, पिता कहाँ आएगा? ऊपर, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता
की पोती एक्स बोल रहा है वाई के लिए कि यह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। मान लीजिए ये पोती, मान लेते हैं ये पोती और इसका ये पति है, सपोज करो आप फिलहाल। तो देखो y x का क्या हो सकता, y x, x की बहन, बहन का पति, बहन का पति कौन हो जाएगा, जीजा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। तो एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ब्रदर इन लॉ वाला है ना भाई, ब्रदर इन लॉ वाला एक ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। हालांकि हालांकि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते थे, स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता था कि एक्स के पिता की पोती, मान लीजिए एक्स खुद ही होता पोती, की पोती का पति है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हो जाता, तो वाई एक्स का कौन हो जाता, पति भी हो सकता था, हस्बैंड भी हो सकता था। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हस्बैंड तो दिया नहीं है, क्या दिया, ब्रदर इन लॉ, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ सी ऑप्शन है ना। बात समझ में आ रही है सभी के, सभी लोग थम्सअप कर देंगे। तो आपके दिमाग में हर एक चीज, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पिता के पिता की पोती बोला है, उसने इकलौती पोती नहीं बोला था, तो हो सकता है कि पोती एक को, हो सकता है पोती बहुत सारी, तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। चलिए रिजवान का मुख उत्तर की ओर, रिजवान का मुख उत्तर की ओर है, वो अपने दाईं ओर मुड़कर, चल नहीं रहा सिर्फ मुंह था, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना एक बार, यही गलती होती है हमसे। यहां पे रिजवान है, रिजवान का मुंह भले से उत्तर की ओर है लेकिन वो उत्तर की तरफ जा नहीं रहा, वो दाईं ओर मुड़ा, अब इधर की तरफ जा रहा, दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर है ना, 25 मीटर चलता है, ये 25 है, फिर अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर, बाएं मुड़कर 30 गए, इसके बाद वो अपने दाएं मुड़कर 25, दाएं मुड़कर 25, फिर वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 55 मीटर, दाहिनी ओर मुड़कर 55 मीटर, अंत में वो दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 मीटर, 25 और 25 50 और ये 40 मीटर है ना, 40 मीटर चलता है। तो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो अपने आरंभिक बिंदु से ये कौन सी दिशा है, ये नीचे तो हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट, सही है, डी ऑप्शन। चलिए सही प्रतिबिंब बताना, इसका क्या बताना है आपको, सही प्रतिबिंब, ये लीजिए सही प्रतिबिंब बताइए, ये सर्किल ऐसे हाफ सर्किल ऐसे, ट्राइंगल का शेप जरूर देख लेना, ये ऊपर तो चेंज ही हो गया, ये भी चेंज हो गया, तो ये दो तो आपके आंसर है। इसको देखें आप, इसको देखें, ठीक है, सिर्फ ट्राइंगल का फर्क आया, ये ट्राइंगल इधर की तरफ जा रहा है तो ये ट्राइंगल इधर की तरफ जाए, सी ऑप्शन बनेगा ना कि डी ऑप्शन, ये रॉन्ग है, ये वाला ट्राइंगल रॉन्ग बन रहा है। चलिए प्रदर्शनी में बहुत सारी टाइप की कारें लगी हुई है दोस्तों, ध्यान से देखें अच्छे से समझ, देखिए लोगों की बुराइयां करने और ढूंढने में अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करो कि कौन क्या कर रहा है। रमेश बोल रहा है कि सर पीयूष को देखिए सर, भाई रमेश आप सिर्फ अपने आप को, है ना भाई, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपकी नौकरी लगेगी ना तो आप उसको खिलाने वाले हो, उसकी जॉब लगेगी ना तो वो आपको खिलाने वाला है, अपने हिस्से की कमाई का खुद खाओगे और खुद आगे बढ़ोगे जीवन, है ना, तो कौन क्या कर रहा है डजंट मैटर, आप उस चीज को छोड़ दो, आप ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जीवन में बहुत पीछे ले जाएगी। आज के टाइम पे इंसान दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है, हकीकत है ये कि यार इसके घर में ये यार मेरे घर में क्यों नहीं, वो इसलिए दुखी है
और भैया मैं तो एक बात बोलूं, अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो आपको बड़े बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात मान लो आप। अगर आपको बड़ा बनना है ना, वास्तव में बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो एक अच्छा इंसान बनो पहले, है ना। अच्छा इंसान बनोगे तो बड़ा वैसे ही बन जाओगे। देखें तो ध्यान से देखें, समझेंगे। एक प्रदर्शनी में विभिन्न कंपनियों की 7 कारें हैं, कैडिलेक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड, फार्गो, तो निम्नलिखित क्रम में पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, किधर की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है, किधर की ओर मुंह करके खड़ी है, ध्यान से देखिएगा, ईस्ट की तरफ, है ना। देखो इधर, एक प्रदर्शनी में विभिन्न कारें हैं और पूर्व की ओर मुंह है इनका। फिर बोल रहा है कि कैडिलेक फार्गो की दाईं ओर, कौन सी, कैडिलेक, कैडिलेक फार्गो के दाईं ओर, ये ले लो कैडिलेक, कैडिलेक फार्गो के दाईं ओर, देखिए फार्गो और उसके दाईं ओर कैडिलेक, फार्गो पीएड के दाएं से चौथे स्थान, फार्गो, फार्गो पीएड, पीएड के दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान। मारुति कार एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में, ठीक है, पीएड जो एम्बेसडर के बाएं से तीसरे स्थान, पीएड जो कि एम्बेसडर, एम्बेसडर के बाएं से तीसरे स्थान पर, और मारुति कार जो है ना, मारुति के लिए बोला गया है कि मारुति कार, मारुति कार है ना, एम्बेसडर और बेनफोर्ड, बेडफोर्ड, बेडफोर्ड, ठीक है, और बेडफोर्ड, बेडफोर्ड के बीच में, ये हो गया, ठीक है। कितनी हो गई, 6 कार, तो यही हो गई। अब उसने बोला था वो एक छोर पर है, फिएट वाली एक छोर पर है, ये वाली एक छोर पर है, तो फिर बचा कौन सी, मर्सिडीज बच रही है ना। अब कौन सी बच रही है, एक मर्सिडीज, मर्सिडीज बच रही है जो कि इधर होगी। अब बोल रहा है कि कैडिलिक कार के दोनों तरफ कौन सी कार, कैटलिक कार के दोनों तरफ कौन सी कार, कैटलिक कार के दोनों तरफ एक तो मर्सिडीज है और एक फार्गो है, एक तो फार्गो है और एक मर्सिडीज, कैटलिक कार के दोनों। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है, मारुति एम्बेसडर के बाईं ओर, बिल्कुल मारुति एम्बेसडर के बाईं ओर, यही बात सही होगी। अगला प्रश्न, कौन सी कार सही है, मर्सिडीज की सही स्थिति क्या है, कैडिलिक के बाईं ओर, बेनफोर्ड के बाईं ओर, मारुति का जो है कैडिलिक के बाईं ओर, बेनफोर्ड के बाईं ओर, ये ना, सॉरी मर्सिडीज की सही स्थिति, मर्सिडीज तो लास्ट में, बेनफोर्ड और फार्गो के बीच में, मारुति के दाईं ओर से चौथा, मर्सिडीज मारुति के दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, दाएं चौथा, बिल्कुल सही, मारुति कार के दाएं चौथा है मर्सिडीज का, है ना, फोर टू दी राइट ऑफ मारुति। एक बार अगर अरेंजमेंट हो गया तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, सारे प्रश्न। चलिए देखिए इसको समझे आप, अब इसको आपको ओपन करना है, इस पेज को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में किस तरीके का शेप दिखाई देगा वो आपको ढूंढना है। आराम से करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो सही होने चाहिए, इतनी उम्मीद आप अपने आप से करिएगा, ठीक है। देखिए 5 तो बनेंगे नहीं गोले, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, सही है। इसको देखो आप, यहां ये नीचे आ रहा है, ये भी रॉन्ग है, टोटल बनेंगे तो 4 ही, और यहाँ पे 6 बन रहे हैं, ये भी रॉन्ग है, तो कौन सा बनेगा भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केवल,
एस क्यू यू आई डबल आर ई एल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्या स्क्वायर बना सकते हैं? एस क्यू यू ए कहां आ रहा है इसमें? क्यू यू ए कहां आ रहा है? लायर में भी ए आ रहा है तो ये भी नहीं बना सकते। तो कौन सा बना सकते हैं? सिर्फ डी ऑप्शन। नया पेज अपना चालू हो गया है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दीपू 10 कोड लगा के, तो ज्वाइन कर लीजिएगा जिसको भी बेसिक से लॉजिकल रीजनिंग पढ़। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए। एन ओ टी ई ओ क्यू डब्ल्यू एन बी ओ ए सी क्यू डी एन का ओ का पी क्यू टी के बाद यू बी डब्ल्यू ई के बाद ये यहां पे देखो तो बहुत ज्यादा गैप आ गया। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, यहाँ पे तो प्लस थ्री हो रहा है, मेरे को लग रहा है ये आई होगा, आई थिंक यहाँ पे आई होगा मेरे हिसाब से, तभी यहाँ पे प्लस फोर हो, एल नहीं होगा ये, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आई ही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, आई कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना। ये आपको कोड दे दिया है इसमें, इस बार देखिए दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि इसका कोड क्या होगा, और इस बार आपको कोड दे दिया कि ये कोड किसके लिए है। NCWGM ये कोड किसके लिए है, यानी अब आपको उल्टा फाइंड करना, जो आप प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर करके कोड बना रहे थे, अब आपको उल्टा बनाना, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस, तो ये एम सी माइनस टू ए डब्लू माइनस थ्री टी, ये सी और ये एच, तो क्या बनेगा? मैच का कोड बनेगा। किसका कोड बनेगा? मैच के लिए कोड लिखाओ। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब, सभी लोग फटाफट से थम्सअप कर देंगे, बढ़िया से समझ में आ गया प्रश्न, सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे एक बार सेशन को सभी बच्चे। चलिए देखिएगा अब इसको, ये प्रश्न अब सबका सही होना चाहिए भाई, एटलीस्ट अब तो यार इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि आप जिस लेवल पे आके तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और जो आपकी प्रिपरेशन का लेवल चल रहा है, कि ऐसे प्रश्नों को तो आप उड़ा दोगे, है ना, सही है कि नहीं? चलिए बनाइए। एफ और बी के बीच में ये देखिए, ये बी ये एफ, इनके बीच में कुछ नहीं है, ये हटा दीजिए। डी और जी, जी ग्रेटर देन है डी के, ये भी सही है। आंसर बनेगा सेकंड फॉलो, क्या बनेगा भाई आंसर सेकंड फॉलो? देखो 35 छात्र हैं भाई, कितने हैं 35। जिया के लिए क्या बोला गया है? जिया 35 छात्र हैं, और इसमें जिया के लिए क्या बोला गया है कि जिया को नीचे से तो सातवां स्थान प्राप्त है, जबकि सोफिया को ऊपर से नाइन्थ पोजीशन। ये दोनों के बीच में शाहरुख को रखा गया, दोनों के बीच में कौन है? शाहरुख। तो शाहरुख से जिया की स्थिति क्या है? अगर ये बिल्कुल बीच में है तो एक बात बताओ, यहां तक के ये 9 लोग हटा दो पहले तो, और यहां तक के ये 7 लोग हटा दो, ठीक है, तो 35 में से अगर ये 9 प्लस 7 चले जाएं, 16 चले, 35 में से अगर 16 चले जाएं दोस्तों, तो ये आपके पास में 19 बचेंगे, 19 लोग यानी बीच में है, बीच में कितने लोग हैं? 19 लोग। अब 19 लोग हैं तो 9 लोग इधर हैं
नौ लोग इधर हैं, नौ दुनी 18, और बीच में शाहरुख है, ये टोटल हो गए 19। सही है। अब शाहरुख से जिया की पोजीशन पूछी कि शाहरुख से जिया की स्थिति क्या है, कहां से शाहरुख से जिया की पोजीशन क्या है, तो शाहरुख से जिया की पोजीशन क्या हो जाएगी, नौ लोग तो बीच में और जिया की पोजीशन कौन सी आ जाएगी, 10th। शाहरुख से जिया की पोजीशन, तो शाहरुख से जिया कौन से नंबर पर है, जिया है 10th पोजीशन साउथ में, यानी एक तरीके से 10वें स्थान पर, शाहरुख से 10वें पोजीशन पर, ये अपन को करना है। ठीक है, शाहरुख से जिया की पोजीशन, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, उसने पूछा है शाहरुख से जिया की स्थिति क्या है, तो जिया 10वें स्थान, बहुत ही प्यारा प्रश्न। ठीक है, तो कभी भी जीवन में ओवर कॉन्फिडेंट ना हो भाई, आराम से करें, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। अगर आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर है और आप ढंग से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, तो आपका सिलेक्शन भी होगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, बस क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ के और फिर आराम से करें। देखिए, YIELD, यील्ड के लिए क्या लिखा हुआ है, YHBGX, फिर FORT, फोर्ट के लिए लिखा हुआ है POME, और हाइट के लिए पूछा जा रहा है। चलिए बनाइए, क्या बनेगा, डू फास्ट, करिए भाई। सर इनपुट आउटपुट, बेटा 4 बजे होगा इनपुट आउटपुट आज, है ना, आज 4 बजे वाली जो थ्योरी क्लास है उसके अंदर इनपुट आउटपुट और ये इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे अपन, कोडिंग डिकोडिंग करिए। देखो प्रश्न, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -1, आगे देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सी एफ, तीन पे भी सी, तीन पे सी एन एन डबल सी एफ सी जी, करिए। इस तरीके के प्रश्नों को आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, 64 ही आंसर आ रहा है ना, यानी इन सबको कैंसिल करना है एक तरीके से, माइनस और डिवाइड को अगर चेंज कर दें लास्ट वाले में, ट्राई करो एक बार, माइनस और डिवाइड को चेंज कर दो, तो ये 64 डिवाइड बाय 8 इंटू 9 -8, 8 64, 72 में से 8 चला जाएगा, तो ये देखिए 64 आ गया, ये लीजिए डी ऑप्शन आंसर भी आ गया, बनाइए। बताइए भाई, इस तरीके के प्रश्नों में तो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, या तो इनमें जोड़ किया हुआ होता है और एक संख्या बनाई हुई होती है, या फिर इवन माइनस ओड या ओड माइनस इवन किया हुआ होता है, दो तीन ही लॉजिक होते हैं इसके अंदर, या तो सबका जोड़ या फिर इवन माइनस ओड या ओड माइनस इवन, ये दो लॉजिक याद रख लीजिए, जोड़ो पहले इसको देखा है,
एडिशन वाला करके देख लेते हैं एक बार। 3 + 7 + 2 + 1 + 6 + 4 10 × 10 = 20 और ये आ रहा है 23। बारह और नौ 21, 21 और 6 27, 3 + 7 + 6 + 8 + 2 + 1 10 × 14 = 24 25 26 27 4 × 9 = 13 13 + 8 = 21 21 × 6 = 27 तो बाकी सबका सम देखो 27 ही आ रहा है। आप देखें हम सबका सम 27 आ रहा है इसको छोड़कर। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो घोड़े जैसी आकृति है भागता हुआ, तो ऐसा शेप आपको कहां पे दिख रहा है बताइए। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसकी पूछड़ी भी नहीं है भैया सी वाले में, इसमें सब कुछ लग रहा। ये देखिए है ना, कुछ लोगों का सी बन रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। सी वाले में देखते ध्यान से पूछड़ी नहीं थी भाई साहब। अब इस प्रश्न को आप करके बताएं फटाफट से। देखें इस प्रश्न, इतनी बार आपने ये प्रश्न पढ़ा है मेरे को लगता है कि ये तो आप मुंह जवानी आपको याद हो गया होगा एटलीस्ट, है ना। चलिए बनाइए। थोड़ा भाग रहा था या खड़ा था वो छोड़ो, अभी आप प्रश्न पे फोकस करो। चलिए ऐसे देखिए, अच्छा फोन है क्या चला, ये देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर स्क्वायर्स गिनते हैं 1 2 3 वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 तो टोटल कितने हो गए 4। भाई ठीक है 14 तो इसी से हो गए। अब अगर आप बाहर वाला देखें तो इसमें भी 14 ही बनेंगे, आपको ऐसा लगेगा 1 2 3 इधर 1 2 3 वन साइडेड नंबर का स्क्वायर आप लोग जानते हो। ये भी 14 बना रहा है तो आपको लगेगा यार 14 + 14 = 28 हो। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये कॉमन है, ये एक जो है ना दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन है और बाहर वालों में भी कॉमन, तो इसको एक माइनस कर दें, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। आंसर क्या बनेगा 27 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है 14 × 2 = 28 - 1 = 27 इसलिए कहता हूं कि आराम से करो भाई प्रश्नों को, है ना, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो। अब इसको भी आराम से करना। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द फाइनल हाई स्कूल एग्जामिनेशन ड्यू टू फॉल्टी क्वेश्चन इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। एक विषय में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्र अंतिम हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब प्रश्न ही गलत थे।
प्रश्न गलत थे तो बच्चे कर नहीं पाए, कर नहीं पाए तो इसका मतलब वो क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, बहुत सारे लोग अनुत्तीर्ण हो गए। तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि क्या कार्यवाही होनी चाहिए, अब इसके अकॉर्डिंग क्या कार्यवाही होनी चाहिए। विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए, पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर बच्चे फेल हुए हैं और ये सब्जेक्ट के मिस्टेक्स की वजह से हुआ है, क्वेश्चन के मिस्टेक्स की वजह से हुआ है, तो भाई साहब बिल्कुल 100% उनको सबको वापस परीक्षा दिलवानी चाहिए सही क्वेश्चन के साथ में। दूसरा क्या है, त्रुटि के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को निलंबित किया जाना चाहिए और तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस बात है, जो जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए उनके लिए या तो सस्पेंड करो और या फिर जांच के आदेश दो। जांच भी होनी ही चाहिए ऑब्वियस बात है यार, ऑब्वियस बात है यार, बच्चों के करियर का सवाल है। बहुत सारे बच्चे फेल कर दिए, वो भी फाइनल परीक्षा में, यानी एक साल पूरा बर्बाद होगा, जिसकी वजह से जो लोग जिम्मेदार हैं उनको आप या तो निलंबित कर दो या फिर जांच के आदेश दो। भैया जांच होनी चाहिए शुरू से कि ऐसा क्यों, क्या होना चाहिए, बोध बोलो। चलिए नेक्स्ट, चुक ट्रेन, रेलगाड़ी क्या करती है, पक 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 चलती है ऐसे, और धम से बंद करना, बैंग। तो क्या धम से बंद क्या होता है, द्वार जो होता है धम से बंद होता है, सही है नहीं है। रेलगाड़ी तो क्या होती है भैया, चुक 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 चलती है, और भैया डोर जो होता है धम से बंद होता है, आवाज से संबंधित है। परिवार में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना है ये आपको बताना है। बीना की 6 बेटियां हैं जिसका एक भाई है। अच्छा, बीना की 6 तो बेटियां होगी, 6 तो गर्ल्स, 6 तो डॉटर्स हो, जिसका एक क्या है, ब्रदर है, एक सन हो गया इसका मतलब। वीणा श्याम की पत्नी, ये लो, वीणा किसकी पत्नी है, श्याम की। तो यहां से निकाल सकते हैं क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक तो श्याम और एक उसका बेटा, दो लोग तो ये हो गए, और 6 पुत्रियां और एक वीणा, 7 योगी हो गए। तो पुरुषों और बेटी लड़कियों और लड़कों के बीच का अंतर पहले वाले से आंसर आ गया, फर्स्ट वाला सफिशियंट है आंसर देने के लिए। 7 - 2 कितना आ रहा है, 5। दूसरा करते हैं, श्याम 6 बेटियों का पिता है, श्याम 6 बेटियों का पिता है, राम का पिता वीणा का, वीणा का विवाह श्याम से हुआ, राम की माता वीणा का विवाह, राम की माता वीणा का विवाह श्याम से हुआ, राम की माता वीणा का विवाह श्याम से हुआ। अब आगे उसने खुद ने दे दिया कि राम भैया पुरुष है, तो अभी भी हम आंसर निकाल सकते हैं, 6 डॉटर और एक वीणा, 7 तो लोग तो ये, और श्याम और राम, इससे भी हमारा आंसर आ रहा है, श्याम और राम, ये हमारे पास इससे भी आंसर पाई बार है। यानी हमें ये बताना था कि कौन से आंकड़े पर्याप्त हैं। तो एक चीज याद रख लेना, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत आंसर कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जब डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड प्रश्न होता है, आंकड़े पर्याप्तता है ना, आंकड़े पर्याप्तता, आंकड़े पर्याप्तता से संबंधित जब प्रश्न होता है ना, डाटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड जब प्रश्न आता है, तो एक चीज याद रखो, उसमें अगर दोनों से आंसर आता है ना, तो वह आइदर और का केस बनता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट, यानी दोनों से ही आंसर आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको नोट करके रखिए, आइदर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आंसर बनता है। किसके अंदर, आंकड़े पर्याप्तता, अगर पहले से भी आंसर आ रहा है, दूसरे से भी अलग अलग से आंसर आ रहा है, तो डाटा सफिशिएंसी में आइदर और का केस बनता है। जिसको नहीं पता है नोट करके रख ले, कौन सी संख्या केवल वृत्त और त्रिभुज में मौजूद,
केवल वृत्त और त्रिभुज में जो संख्या मौजूद है वो बता दीजिए, क्या आया? चलिए इसको तो बता दो यार भाई, उम्मीद करूंगा ये तो सही आएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से क्या करोगे प्रोसेस? गाय दूध देगी सबसे पहले तो, सॉरी गाय दूध नहीं देगी, पहले गाय घास खाएगी। गाय घास खाएगी, घास खाने के बाद में वो दूध देगी, दूध से दही बनेगा और दही से मक्खन बटर। गाय डायरेक्टली बिना घास खाए हुए दूध दे देगी क्या? 4:20 पर दोनों के बीच में कोण कितना होगा? थीटा बराबर 11/2 × मिनट − 30 × R, ये आपने पढ़ा होगा। इंटू क्या करोगे, 20 − 30 × 4, 2 से 20 को काट दोगे 10 बार, 110 − 120 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया थीटा की वैल्यू, है ना। और इसको चाहते तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि अगर आपको 1:5 में दे रखा है, 1:5 में दे रखा है घंटे और मिनट का समय, 1:5 में दे रखा है, तो थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के मिनट बटा दो, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ये याद रख लो, क्या होती है, माइनस के मिनट बटा दो। तो इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं थी, अपन डायरेक्टली कर सकते थे। अच्छा 20 तो कितना हो जाएगा, 10, 20/2 कितना आ जाता, 10 डिग्री। अगर 1:5 में दे रखा है घंटे और मिनट का समय, तो डायरेक्टली आप निकाल लेते कि 10 डिग्री आंसर। सही है कि नहीं, क्लियर है? सभी लोग थम्स अप कर दें फटाफट से, इस प्रश्न को करके बताएं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन? 1 जनवरी 2006 को तो था रविवार, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? डेट और मंथ सेम है तो हटा दो, 6 से 10 तो +4, तो ये करोगे आप, बीच में 2008 का लीप वर्ष भी आएगा, तो संडे +5 क्या आ जाएगा, फ्राइडे। संडे +5 कितना आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मजा आ गया होगा। जल्दी से आप लोग मुझे 30 में से अपना स्कोर बता दीजिए एक बार कि आपका स्कोर क्या रहा मॉक टेस्ट, क्योंकि ये मॉक टेस्ट ही आपको रियलाइज करवाएगा कि वास्तव में अगर आप एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो आप कितने प्रश्न कर पाए। ठीक है, जल्दी से बता दें फटाफट से थम्स अप करके कि 30 में से आपका स्कोर क्या रहा, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए क्या स्कोर रहा गाइस। और जिंदगी में हमेशा एक चीज याद हो, है ना, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, तो आसमान छूने के लिए मेहनत करना चालू कर दो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो आज बहुत सारी क्लासेस होने वाली है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तैयार रहिएगा। 1 बजे भी क्लास है अपनी, 2 बजे भी क्लास है अपनी अनअकैडमी पर, रात को 10 बजे भी अनअकैडमी पर क्लास, और शाम को 4 बजे जिसको भी थ्योरी क्लास के अंदर इनपुट आउटपुट पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक चलेंगे, कोड डिकोड और इनपुट आउटपुट, तो तैयार रहिए। ठीक है भाई, दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे शाम को 4 बजे वाली थ्योरी क्लास में। ये तो होगी यूट्यूब पर वाईफाई स्टडी, ये तो होगी वाईफाई स्टडी यानी कि यूट्यूब पर, ये क्लासेस होंगी अनअकैडमी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है? सभी लोग थम्स अप करते हैं एक बार।
नया बैच अपना चालू हो ही गया है, आपको बता ही चुका हूँ मैं। कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, सब कुछ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दीपू 10 कोड लगाकर 10% डिस्काउंट के साथ में, जिसके अंदर आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिलती हैं। तो जिस भी बच्चे को पजल का टॉपिक पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पूरी पढ़नी है, बैच अपना चल रहा है, उसे आप ज्वाइन कर लें। दीपू 10 कोड ला DEEPU10, 3 महीने 6 महीने का जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है ले लो, बढ़िया तरीके से एक बार रिवाइज कर लो मस्त, और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर, ठीक है? क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। और PDF वगैरह के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी PDF, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप लोग नए हैं तो, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे। PDF नीचे मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी PDF, वहां से आप डाउनलोड। ओके गाइस, जी हाँ, MTS के लिए आज सेशन होने वाला है 8 से 10 रात को YouTube पर। कम से कम 100 क्वेश्चंस करेंगे, 8 से 10 क्लास होगी, तैयारी। बाय, टेक।